अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लर्न इज़ नया यूट्यूब चैनल। तो आज की सीरीज के अंदर हम इटालियन लैंग्वेज जो है इसके मुतालिक कुछ पढ़ने लगे हैं, और ये वो अल्फाज होंगे जो अस्पताल हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर नहीं यानी कि तकरीबन जो अस्पताल होता है वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जी अहम अल्फाज जो हम अस्पताल में इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी तो इटालियन बननी चाहिए ना, क्योंकि हम इटालियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो इस सारे फिक्रे की इटालियन कहाँ है जी, ये ऊपर आप देखें, ले पारोले। अच्छा, ले क्या है? अब ले का मतलब कह लेंगे जैसे कि द वर्ड, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो ला पारोला इंग्लिश के अंदर आता है द या दी, लफ्ज को मुकम्मल करने के लिए जो आर्टिकल लगता है, कौन सा आर्टिकल लगता है यहाँ पर, ये है ना, जो ले ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ला अकेले के लिए इस्तेमाल होता है। ये मजीद एक वीडियो होगी उनों का जो कोर्स है उसके अंदर, तो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो ले पारोले एक से ज्यादा यानी कि हो गया ना, पारोला होता है तो वो एक लफ्ज होता है, पारोले ये दो यानी के या दो से ज्यादा लफ्ज हो गए हैं। तो ले पारोले अहम, ले पारोले अल्फाज इम्पोर्टेंट अहम, मतलब क्या हुआ, अहम अल्फाज के का मतलब है जी जो उजियामो। अब उजियामो कैसे बना है, यू के बाद एस आ गया है, एस जब अकेला होता है तो ये जेड की आवाज के साथ ये हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, उजियामो। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर तो के का मतलब हो गया जो, हम कैसे हुआ जी, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं उजारे, तो यानी कि इस्तेमाल करना, उजियामो जब आया है ना तो लफज है असल में उजारे, एक वर्ब है, उजारे से जब हम कहते हैं ना कि मैं इस्तेमाल करता हूं तो वो कहेंगे इयो उजो, वो इस्तेमाल करता है, लुई उजा, या तू इस्तेमाल करता है, तू उजी, और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहेंगे, नोई उजियामो। तो इस तरह से के उजियामो जो हम इस्तेमाल करते हैं इन के अंदर, या मैं, इनका मतलब मैं भी होता है या के अंदर भी होता है, अस्पताल अस्पताल या हॉस्पिटल में। ले पारोले इम्पोर्टेंट अहम अल्फाज के उजियामो जो हम इस्तेमाल करते हैं इन अस्पताल अस्पताल के अंदर। अच्छा, मजीद जी वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो लफज है जी आगे प्रोंटो स्कोर्सो एमरजेंसी रूम को कहते हैं। आगे लफज है जी दोलोरे होता है दर्द, ठीक है, दर्द जो होता है इसको दोलोरे इटालियन के अंदर कहते हैं। पट्टी करना, बैंडेज करना, इसको इटालियन के अंदर कहते हैं जी फाशातूरा, ठीक है, फाशातूरा, कोई लपेटना चीज को, पट्टी करना, मलम लगाना, ठीक है, फाशातूरा। इसके बाद जी आगे चलते हैं, आगे है नर्स को इटालियन के अंदर कहते हैं इनफेरमियरे बोलते हैं जी नर्स को, जो आप देखेंगे अस्पतालों के अंदर जो खवातीन होती हैं जो मरीज की हेल्प वगैरह करती हैं या कोई दवाई वगैरह दे रही होती हैं, उसको नर्स, जब हम अपनी जुबान में नर्स कहते हैं ना तो यहाँ पर इनफेरमियरे कहते हैं उसको। आगे है जी मरीज को इटालियन के अंदर पाशिएंते, ठीक है, अब जेड नहीं होगा, पाशिएंते मरीज। आगे है खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं, ब्लड टेस्ट को इटालियन के अंदर इजामे डेल सांगवे, इजामे यानी के इम्तिहान को भी हम कह सकते हैं लेकिन टेस्ट है ना, तो इजामे हो गया, डेल सांगवे खून का, इजामे डेल सांगवे खून का टेस्ट। आगे है जी एक्सरे को इटालियन के अंदर कहते हैं राडियोग्राफिया, ठीक है, राडियोग्राफिया, दो एफ नहीं हमने पढ़े, राडियोग्राफिया, ये राडियोग्राफिया बोलते हैं जी एक्सरे को। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे है एम्बुलेंस को इटालियन के अंदर बोलते हैं आम्बुलांसा। अब देखें मैं जेड को एस की आवाज के साथ पढ़ रहा हूँ, जेड साकन है क्योंकि ये अकेला जेड है, जब दो जेड इकट्ठे आएंगे तो वो फिर जो है वो जेड की आवाज निकलेगी। अब ये जेड अकेला है, इसको हम पढ़ेंगे एम्बुलांसा नहीं होगा, एम्बुलांसा। आगे थर्मामीटर को इटालियन के अंदर
थर्मोमेट्रो थर्मोमेट्रो इंतजारगा ठीक है, वेटिंग हॉल जिसको बोलते हैं, वो वेटिंग हॉल को इटालियन के अंदर साला द तेसा, साला कमरा, द तेसा डी को आप छोड़े ना, अतेसा बोलते हैं इंतजार करना ठीक है। अब इस दोनों को मिलाकर आप देखें तो साला द तेसा इंतजारगा या वेटिंग हॉल या वेटिंग रूम, साला द अतेसा इंतजारगा। आगे है जी बुखार, बुखार को इटालियन के अंदर कहते हैं फेब्रे, फेब्रे ठीक है फेब्रे। नेक्स्ट चलते हैं जी सर्जन, सर्जन जो स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, यानी कि एक डॉक्टर तो नॉर्मल होता है, जो किसी चीज के अंदर स्पेशलिस्ट होता है उसको सर्जन बोलते हैं ना, तो उसको इटालियन के अंदर क्या कहते हैं जी, ये की रूगो ठीक है, की रूरगो, सर्जन को इटालियन के अंदर की रूरगो सर्जन। आगे अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट को इटालियन के अंदर अपुंतामेंटो, अपुंतामेंटो, अब दो पी हैं अपुंतामेंटो, यानी कि डबल पी की आवाज निकलेगी अपुंतामेंटो। आगे है इंजेक्शन, इंजेक्शन और एक होता है सिरिंज, इंजेक्शन और सिरिंज में फर्क है। सिरिंज जो होता है वो अगला हिस्सा होता है इंजेक्शन का, जहाँ जो सुई होती है उसको बोलते हैं सिरिंज। तो इंजेक्शन जो होता है, ये इंजेक्शन होता है, इसके अंदर दवाई भरी जाती है, और इंजेक्शन को बोलते हैं इनिएसियोने, इनिएसियोने। अब जेड अकेला है इसकी जगह पर, इनिएसियोने, एस की आवाज थोड़ी सी निकलेगी, इनिएसियोने इंजेक्शन, इंजेक्ट करना, इंजेक्टर जो होता है पंप करने वाला, इनिएसियोने ठीक है उसको बोलते हैं। और जो इसके आगे सरिंज होती है उसको बोलते हैं सरिंजा, सरिंजा, ज्यादातर सरिंजा इस्तेमाल होता है, इंजेक्शनों ने कम इस्तेमाल होता है अस्पतालों के अंदर, क्योंकि ये इंजेक्शनों ने इंजेक्टर होता है, और ठीक है ये भी एक लफ्ज है ना, तो ये भी अस्पताल के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, और आपने मिक्स नहीं करना सरिंजा और इंजेक्शनों ने, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सरिंजा जो होती है वो नोक वाली सुई को कहते हैं, और इंजेक्शनों ने इंजेक्शन जिसके अंदर दवाई भरी जाती है, जिसके ऊपर स्केल वगैरह लिखे होते हैं। आगे है ऑपरेशन, ऑपरेशन को इटालियन के अंदर कहते हैं जी ओपेरासियोने, ओपेरासियोने, जेड अकेला है एस की आवाज निकालेगा ओपेरासियोने ऑपरेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।